bro. You're a fucking terrorist, I dog. I got you. You want to talk that you, stuff? Man. Fuck you, you and your Muslim you fucking wanna, bullshit, dog. You want to talk that you. Stuff? I'm an infidel. What's up, motherfucker? You want to... Yeah, you know, you think I'm scared of you? You know? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आप पर वो अटैक हुआ है उसका लीगल स्टेटस इस वक्त क्या है, एक तो ये चीज है और दूसरा आपकी अब सिक्योरिटी क्या है, मतलब आप, मैं देख रहा हूँ उसी तरह फील्ड में माशाल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह ताला इसी तरह आपको कायम रखे, आप फखर हैं तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मैं आपसे पूछना चाह रहा था शेख उस्मान साहब से, मैं सिर्फ एक सवाल रख लूं। शेख आप पर पता चला था और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप एक दावत का फील्ड में काम कर रहे हैं तो यकीनन ये बड़ा मुश्किल और ये अंबिया की सुन्नत है, इसमें तो कोई शक नहीं, अंबिया की सुन्नत है और इसी उम्मत को ये फरीजा दिया गया है। तो हजरत मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आप पर वो अटैक हुआ है उसका लीगल स्टेटस इस वक्त क्या है, एक तो ये चीज है और दूसरा आपकी अब सिक्योरिटी क्या है, मतलब आप, मैं देख रहा हूँ उसी तरह फील्ड में माशाल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह ताला इसी तरह आपको कायम रखे, आप फखर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें पहली बात यह है, मुसलमान जो होते हैं ना, हम किसी से डरते नहीं है, हम मौत से नहीं डरते और इन हमलों से बिल्कुल नहीं डरते, और वैसे भी हम पठान है, हमारे दिमाग जरा खराब होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत जो है वो पहले से ज्यादा फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उसी जगह अल्हम्दुलिल्लाह हूँ दुनिया में। आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस वन मैसेज फाउंडेशन पे हम जा रहे हैं, दावत दे रहे हैं, और इंशाल्लाह भी हमारा इरादा है अगले हफ्ते दुनिया के जो सबसे खतरनाक शहर है जिसमें कत्ल वगारत सबसे ज्यादा होती है, तिखाना नाम है, जो आप गूगल में डाल सकते हैं कि नंबर वन मर्डर रेट इन द वर्ल्ड, तो उधर हम जाके दावत देंगे। बेलबोआ पार्क है हमारा, तिखाना मेक्सिको, मेक्सिको में। अच्छा बिल्कुल, अगर आप सर्च करें हाईएस्ट मर्डर रेट इन द वर्ल्ड तो जो टॉप पांच शहर है वो सारे मेक्सिको में, और उनमें जो नंबर वन शहर है वो तिखाना उसका नाम है, और इंशाल्लाह अभी हमारा इरादा है उधर जाके दावत देने का अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस बंदे ने मुझ पे हमला किया था, दो दफा मुझे हमले हुए, जो पहला था वो तो जेल जाके निकल भी आया है, और जो दूसरा था वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की मतलब हिरासत में है, और इंशाल्लाह कोर्ट केस उस पर चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों पे नहीं डरते। जिस दिन मुझ पे हमला हुआ था उसके अगले दिन उसी जगह जाके मैंने वीडियो भी बनाई थी, दावत भी दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। और अगर इसमें हमारे जिस्म में जितना भी खून है अगर सारा बह जाए और एक एक सांस भी हमारी लग जाए तो उस पर हम खुश होते हैं, फखर होते हैं। अल्लाह रज़क़ना शहादा, हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें शहीद करने शहीद शहादत का मौका दे हक पे, और कुरान और हदीस और सही अकीदे पे जब इंसान चल रहा हो तो फिर किसी चीज से नहीं डरता। हमारी दावत चल रही है और उससे ज्यादा बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमारी एक स्टॉल होता था, अब हमारा सैटरडे संडे दोनों दिन स्टॉल लगते हैं, और मिडवे म्यूजियम पे भी लगता है, बेलबो पार्क में भी तक लगता है, मॉल में भी लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हमने दावा मोबाइल खरीदी है, और हमारी पूरी टीम है जो वॉलंटियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुआत हैं दावत देते हैं वो वॉलंटियर्स हैं, जो टैक्सेस का काम करना हो या एडिटिंग उनपे हम पैसे देते हैं, लेकिन जो दावत देते हैं वॉलंटियर्स हैं। हमने अब पैसे जो हमारे, आपने अभी तक कभी भी नहीं देखा कि हमने फंडरेजिंग की, ओएमएफ एक फंडरेजिंग हमने नहीं की, लेकिन लोगों ने जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से जो भेजा है तो उस पैसों को लेके हमने एक कंटेनर अभी खरीदा है इंग्लिश ट्रांसलेशन कुरान के सही इंटरनेशनल के, उससे अभी हमने एक वैन खरीदी है ताकि हम शहर से शहर जाके दावत दे सकें, और ग्रास रूट लेवल पे हम दावत अपनी शुरू रखेंगे, और चाहे ये काफिर जो है जो मर्जी है करें, जो मर्जी है इल्जाम लगाएं, वो इंशाअल्लाह हम किसी चीज से पीछे नहीं हटने वाले, माशाअल्लाह। अच्छा आमिर भाई, आपने शेख उस्मान साहब के ताल्लुक से सवाल पूछा है कि उनके ऊपर अटैक हुआ था, और वाकई ये बहुत बड़ा एक न्यूज बन गई थी दावा वर्ल्ड में कि एक दाई के ऊपर अटैक हुआ है। कुछ इसी तरह का मसला जो है कुछ एग्नोस्टिक्स या एथिस्ट वगैरह का भी रहता है। आमिर भाई आप मेरी स्ट्रीम में आए, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, और ये सवाल मुझे भी हॉन्ट कर रहा है और मेरे पास ये सवाल पहुंचा भी है कि आपकी स्ट्रीम में कुछ दिन पहले जो है एक एग्नोस्टिक का फोटो दिखा दिया गया था, तो उनका दावा यह है कि जी मेरा जो फोटो आ गया उससे मेरे ऊपर हमला हो सकता है या मेरी फैमिली मेरा बायकॉट कर सकती है, मैं छुपता फिर रहा था, आपने मुझे रिवील कर दिया, गलती से उनका फोटो कहीं आ गया होगा, तो उस पर कुछ आपका मौकिफ आप कुछ वाजह करना चाहेंगे उस पर, चूंकि बहरहाल ये एक ऐसा मसला है कि जो बड़ा सेंसिटिव है, जिस तरीके से
शेख उस्मान साहब के ऊपर टारगेट हुआ है। हम ये मानते हैं, ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई आदमी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है तो बहरहाल हमें उसको अखलाकी तौर पर जवाब देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उस पर कोई टारगेट कर दे। अच्छा हजरत, इसके ऊपर जो मेरा जो काम था करने का, एक तो ये है कि मैंने उनको पर्सनली ईमेल की है जी। और जिस तरीके से लाइव स्ट्रीम के अंदर ट्रिगर किया गया और वो कंटिन्यूअसली इंटरप्ट कर तो रहे थे मगर उसके साथ साथ वो डिसरिस्पेक्टफुल थे, ठीक है, तो वो ट्रिगर होके जो काम, हालांकि मैं, मेरे पास वो तस्वीर मौजूद थी और वो तस्वीर मेरी, उनको मैंने कोई लीक नहीं किया या उनकी कोई आइडेंटिटी मैंने निकाली नहीं है ढूंढ के, वो अपने ही दोस्त की स्ट्रीम पर बैठे थे, अपने ही दोस्त की स्ट्रीम में उनका कैमरा ऑन हुआ, वहां से वो तस्वीर ली गई है, यानी उनके अपने कैमरे से लाइव रिकॉर्डिंग के दरमियान ली गई है तस्वीर वो, तो ऐसा नहीं है जिसको वो छुपा रहे थे तो वो कर रहे थे। नहीं नहीं, वो तो वो ये कह रहे हैं कि गलती से मेरा कैमरा ऑन हो गया, नहीं लेकिन मैंने अपनी कभी तस्वीर कहीं डाली नहीं है। अब अगर किसी आदमी का गलती से मसलन कैमरा ऑन हो गया और वो लीक हो गई तो और हमारी तरफ से मान लीजिए अगर वो तस्वीर जो है वो आम हो जाए और मान ले कल को कोई सर फिरा जाके हमला कर दे या उनकी फैमिली उनका बाइकाट कर दे या वो पाकिस्तान जाए वहां कोई मसला हो, तो उसकी कोई ना कोई अखलाकी जिम्मेदारी क्या हम पर आती है या नहीं आती? हजरत मेरी नजर के अंदर जो चीज मैं कर सकता था मैंने उनके साथ राबता करने की कोशिश की मगर उन्होंने राबता मुझे नहीं, मेरे साथ नहीं किया। मैं बात करना चाहता था, मैं इस चीज पर उनसे हो सकता है माजरत करता, हो सकता है मैं उनको कुछ कुछ ना कुछ उनके सामने रखता अपना कि मेरा पॉइंट क्या है। उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, उन्होंने मुझे पुश कर दिया, वो कहते हैं मैं इस मामले को अल्लाह की अदालत में रखूंगा, हालांकि वो अल्लाह को मानते नहीं, अल्लाह को मानते एग्जैक्टली मानते नहीं मगर कहते हैं अल्लाह की अदालत में। मैंने कहा चलो मैं मानता हूँ, मुझे वहां सहूलत मिल जाएगी, आप मानते नहीं है तो देख लेंगे। ये तो आपका एक और बात ये है कि देखें अगर कोई किसी मौकिफ को यकीन रखने वाला हो, मानता है, तो वो क्यों डरता है? मतलब मैं मेरी तस्वीर, मुझ पे तो दो हमले हो चुके हैं, मेरी तस्वीर अभी तक आपके सामने आ रही है, मैंने कभी कैमरा बंद नहीं किया, मैं कोई बॉडी गार्ड के साथ नहीं फिरता, मैं कहीं छुपता नहीं हूँ, मैं जिधर जाता हूँ जहाँ वहाँ पहले से अनाउंसमेंट होती है, तो मैं तो नहीं डरता। अगर कोई इस्लामोफोब आके इस्लाम पे हमले करे तो वो डरता क्यों है? देखें पहली बात तो ये कि जो हम तो कहते हैं कि अखलाकन अदब के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए, हम तो एक नहीं कहते किसी को जाके कत्ल करो, लेकिन अगर खतरे की बात है तो हमें तो खतरा ज्यादा है। काफिर मुल्क में हम रह रहे हैं, मेजॉरिटी इधर कुफार की है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राइज पे है, इस्लामोफोबिया राइज पे है, फिर भी हम नहीं डरते। तो ये लोग कहते डरते क्यों है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। नहीं, ये बात तो आपकी सही है लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए हमारा एक हमारा कुछ ना कुछ अखलाकी बरतरी और मैयार होना चाहिए, और वो ये कि एक आदमी अगर ये कह रहा है कि नहीं जी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तो ठीक है, हमें कौन सा उसको रिश्ता भेजना है, मत दिखाओ भाई। देखिए उसके लिए आप एक निकाब खरीद ले, मैंने तो वो प्रिंसेस क्रिश्चियन को मार्केट में चले हुए हैं उस्मान साहब, सफेद निकाब आजकल मार्केट में चले हुए हैं, सामने टारगेट का जो है वो निशान बना हुआ है, और अभी एक मशहूर जमाना मुर्तद करंट क्रिश्चियन है, वो इसी तरह का निकाब पहन कर आया है और उसको इंडियन चैनलों पर आने का शौक हुआ है, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता तो उसने सफेद निकाब लगाया और सामने टारगेट का निशाना और इसी तरीके से अपने फोरहेड के ऊपर टारगेट का जो मार्क है वो। तो एनीवेज बहरहाल आपने इसकी वजाहत कर दी, अगर कुछ और कहना चाहें तो नाउ इट्स अ टाइम, वरना फिर हम मूव ऑन करते हैं। आमिर भाई हजरत मैं तो उनके साथ रابطہ मैं चाह रहा था पर्सनली रابطہ करके, तो मैं एक एक इंसानियत के तौर पर जो इस्लाम ने हमें तालीम दिया उसके मुताबिक मैं उनसे मामला करता, मैंने अपना नंबर भी उनको दे दिया था मगर उन्होंने नहीं सिर्फ तवज्जो की, मैं यही कह सकता हूँ इसके अलावा, बाकी अल्लाह के हवाले, यही हो सकता बेहतर है। चलें।